साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसा गुरुग्राम के वाटिका चौक का है, जहां सड़क पर सफाई कर रही एक महिला कर्मचारी की कार से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई। हादसे के बाद कार का ड्राइवर कार को छोड़कर फरार हो गया। वाटिका चौक पर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई। वहीं वाटिका चौक पर सफाई कर्मी की सड़क हादसे में हुई मृत्यु की जानकारी मिलते ही नगर निगम के सफाई कर्मी घटना स्थल पर पहुंच गए और सड़क को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। मृतक महिला नगर निगम में सफाई कर्मचारी है और सड़क पर सफाई कर रही थी। वीरवार सुबह तकरीबन 8 बजे एक हुंडई एक्सेंट गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला सफाई कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान सरोज के रूप में हुई है। आशा क्या हुआ, हमारी मौसी मर गई। हाँ, आशा इतनी ऊपर से गाड़ी ने उछाल दिया। हाईवे पर मशीन लगाते काम हो रहा है यहाँ, लेकिन इंसानों का मरवाने का काम हो रहा है यहाँ। दिल्ली से वहाँ तक हमने कोई नहीं देखा हाईवे पे काम करता हुआ, लेकिन यहाँ कर रहे हम। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग क्या, हमारे यहाँ से बदली कर दो, सिपाही दबा दिए। हाईवे कुछ नहीं है, ठीक है, कर दो, लेकिन ये है यहाँ कुछ कर्मचारियों का क्या कसूर था तो वहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ भेज दिए गए। नहीं, इनका कोई कसूर था जो इनकी बदली करके इतनी दूर दूर फेंका गया है? ठीक है, हम यही चाहते हैं जो हमारे कर्मचारी जो बदली होकर दूर दूर गए वो अपने ठिकाने पे दोबारा उल्टे चले जाएं, ये मांग है हमारी सरकार से। ठीक है, आपको बता दें कि सड़क पर सफाई कर रही एक महिला कर्मचारी की कार हादसे से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई। हादसे के बाद कार का ड्राइवर कार को छोड़कर फरार हो गया। वाटिका चौक पर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। अब देखना होगा पुलिस कब तक ड्राइवर को गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।